नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। हाथरस सत्संग वाले मामले को लेकर सियासत भी गरमाई नजर आ रही है। ये भक्ति है या फिर अंधविश्वास, इस पर भी सवाल उठ रहा है। और दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में भी गर्माहट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आज राहुल गांधी ने हाथरस वाले मामले को लेकर पीड़ितों के घर जाकर उनसे मुलाकात की, उन्हें सांत्वना भी दी है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि हाथरस सत्संग वाले मामले में सरकार की कमी है, सरकार की गलतियां हैं, इसी कारण यह सब कुछ घटना घटित हुआ है। अब वही बाबा के ऊपर अभी तक FIR या उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, इसको लेकर भी विपक्ष कार्रवाई करने की मांग कर रहा है और नाराजगी जाहिर कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। पूरा मामला आपको हम विस्तार से बताते हैं। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। कुल 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अभी सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण सरकार विश्वहरि यानी कि भोले बाबा को आरोपित नहीं मान रही है। जाँच में करीब 200 मोबाइल नंबर पुलिस के रडार पर है। कुछ नंबरों पर घटना वाले दिन भोले बाबा की बात हुई थी। हादसे की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है। आयोग सदस्यों के आगामी 2 दिनों में हाथरस पहुंचकर जांच शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बाबा के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि पुलिस जांच में बाबा पूरी तरह सहयोग देंगे। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया है कि सरकार हरि के जाने के बाद भीड़ में कुछ अराजक तत्व घुस आए जिनके कारण भगदड़ मची। वहीं बाबा कहा है इस पर वकील ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि हादसे की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है। हाथरस भगदड़ हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर 1,00,000 रुपए के इनाम को लेकर उनके वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि मुझे FIR की कॉपी मिल गई है और मुझे जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है कि देव प्रकाश मधुकर दिल के मरीज हैं और इसी कारण उनके परिवार के एक सदस्य की मौत भी हो गई है। वकील ने बताया कि मधुकर अस्पताल में भी भर्ती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी हालत स्थिर होगी उन्हें पुलिस और SIT के सामने पेश करेंगे ताकि आगे की कार्रवाई ठीक से हो सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देव प्रकाश मधुकर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हम ना तो कोई अदालती कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं और ना ही कुछ करने जा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा के वकील ने अपनी बातों को रखा। और वहीं मधुकर के पड़ोसियों का भी कहना यह है कि मधुकर निर्दोष है, इसमें मधुकर की कोई गलती नहीं है, मधुकर को फंसाया जा रहा है और बाबा को बचाया जा रहा है। अब वहीं इस मामले को लेकर आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा, लेकिन हाथरस सत्संग वाले मामले में बाबा की गलती के कारण ये सब कुछ हुआ है, यानी कि मधुकर के पड़ोसियों का ये सब कुछ कहना है। किसकी गलती है, किसकी कमी है जिसके वजह से ये घटना घटित हुई, अभी इस मामले पर जांच चल रही है। गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, गुत्थी सुलझने के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें बाबा दोषी है या मधुकर दोषी है या फिर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी है जो दोषी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए TV24।